नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोई भी नगर निकाय चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 11 नवंबर तक ही बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में दे सकता है आवेदन। जांच करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। दावे व आपत्तियों का 7 नवंबर को ही समय हुआ समाप्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। हत्या के आरोप में एक अभियुक्त संतोष कुमार चौधरी को पिपराइज थाने की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान बुक कराकर उस सामान को बेच देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72,000 रुपया सामान व घटना में प्रयुक्त ट्रक को किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने किया खुलासा। छाछठवीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 पर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को हराकर किया कब्जा। दक्षिण मध्य रेलवे को प्राप्त हुआ 3रा स्थान। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक नरसा चंद्र वीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा 3रे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। कहा, खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की मिलती है प्रेरणा। डेंगू से नहीं हुई है चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत। सीमा आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। कहा, जनपद में मिले हैं 192 डेंगू के मरीज और 4 मरीज जिला अस्पताल में हैं भर्ती। आज तक जिले में डेंगू से नहीं हुई है किसी मरीज की मौत। खेतों में ना जलाए पराली किसान भाई, ना जरूरत हो तो पराली को दे दे ग्राम पंचायत को। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। विजय चौराहे से बैंक रोड तक पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, अतिक्रमण किए 3 दुकानदारों का 2,000 का काटा गया चालान की अपील। अपनी जगह तक ही लगाएं अपनी दुकान, रोड पर ना करें अतिक्रमण। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा, नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दो शातिर मोटरसाइकिल चोर नितिन साहनी व पृथ्वी पाल को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और 122 क्रय केंद्रों पर की जा रही है जिले में धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, किसान धान सुखाकर ले जाए क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए। अभी तक 4,000 क्विंटल तक धान की जा चुकी है खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। अब खबरें विस्तार से। जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए कोई भी प्रत्याशी 11 नवंबर तक बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 7 नवंबर तक दावा व आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। कुछ जगहों पर बूथ को बदलने के लिए शिकायत प्राप्त हुई है और जहाँ जहाँ पर परिसमन हुआ है वहाँ के वोटरों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग दूसरे वार्ड में आ गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। यदि कोई प्रत्याशी अपने बूथ को बदलवाना चाहता है कि वह भवन जर्जर हो गया है, इन सब बातों की जांच कराकर बदल दिया जाएगा। इसमें कोई व्यक्ति एक आवेदन देकर बूथ को बदलवा सकता है। उन्होंने कहा, दावे व आपत्ति का समय समाप्त हो गया है। 14 नवंबर तक बीएलओ व सुपरवाइजर मौके पर दावे व आपत्तियों की जांच कर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। यदि किसी का नाम जुड़ना होगा तो जुड़ेगा और नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ हूँ नगर निकाय जो निर्वाचन है उसका। अभी 7 नवंबर तक की तिथि थी जिसमें दावे और आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। इसमें 2-3 प्रकार के मसले आए हैं। एक है जिसमें
वोट शिफ्टिंग का मसला है, कुछ लोगों का जहाँ जहाँ परिसीमन हुआ है, जैसे कुल 24 वार्ड हैं जहाँ परिसीमन हुआ है, वहाँ के कुछ वोटर ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हम इस वार्ड के थे और इस वार्ड में आ गए हैं, हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं और उसकी जांच करा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर बूथ चेंज का कोई प्रकरण है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बूथ है जो जर्जर हो गया है, भवन टूट गया है, उसको भी अगर चेंज या शिफ्ट करने की बात है, इन चीज़ों की जांच कराई जा रही। मेरा अनुरोध है इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रार्थना पत्र देना है तो मैक्सिमम कल तक अर्थात 11 नवंबर तक दे दें, जिससे हम इसकी जांच करा लें और समय से इसका निस्तारण कर सकें। इसमें किसी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक आवेदन दे देंगे। जो दावे और आपत्ति है उसका समय समाप्त हो गया है, 14 नवंबर तक इसकी हम लोग जांच कराएंगे। तो जिन लोगों ने भी अपने दावे और आपत्तियां दी हुई हैं उसमें BLO या हमारे सुपरवाइज़र मौके पर जांच करने जाएंगे, अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद इनका नाम या तो जुड़ जाएगा और यदि जुड़ने योग्य नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। पिपराइज थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में CO चौरी चौरा मानुष पारिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संतोष कुमार चौधरी पुत्र राम सुभाग चौधरी निवासी काला कुमहिया पोस्ट गुदगुदी थाना डुमरी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है। CO चौरी चौरा ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी सूरज सिंह, उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, कांस्टेबल अशोक यादव, अशोक कुमार, भानु प्रताप सिंह, संजीव सिंह, महिला कांस्टेबल सुमन वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO चौरी चौरा मानुष पारिक ने कहा, आज दिनांक 10 नवंबर 2022 को थाना पिपराइज मुकदमा संख्या 686/22 धारा 302 IPC से संबंधित मुकदमे में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम संतोष कुमार चौधरी है, वह पश्चिमी चंपारण का रहने वाला था। इस अभियुक्त को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें सफीना उर्फ सोनी की हत्या हुई थी। यह हत्या 3 नवंबर को हुई थी और सूचना इसकी 7 नवंबर को मिली थी। तहकीकात में इस अभियुक्त का नाम सामने आया था और 48 घंटे के भीतर जो थाने की टीम है उसने इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान बुक कराकर सामान बेच देने वाले 3 अंतरराज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में CO कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट थाने पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को मोहल्ला चमकनी गाड़ीपुरा शाहजहाँपुर में अयूब कबाड़ी के दुकान से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद अयूब पुत्र हबीब अहमद निवासी मोहल्ला चमकनी गाड़ीपुरा थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर, दूसरा रियाजुद्दीन पुत्र सब्बीर निवासी माथन थाना पिसावा जनपद सीतापुर, तीसरा आकाश पुत्र गुड्डू निवासी माथन थाना पिसावा जनपद सीतापुर के रूप में हुई है, जिनके पास से बेचे गए माल में से प्राप्त बचा हुआ 72,000 रुपया अलमारी कुर्सी मेज गद्दा फ्रिज वॉशिंग मशीन जनरेटर कूलर टेबल चारपाई फोल्डिंग घटना में प्रयुक्त ट्रक को बरामद किया गया है। CO कैंट ने बताया कि ट्रक के मालिक रियाजुद्दीन पुत्र सब्बीर निवासी माथन थाना पिसावा जनपद सीतापुर का आयसर कंपनी का ट्रक है एवं इसे पूरे उत्तर प्रदेश से बंगाल व बिहार में चलाता है। इसके ट्रक पर खलाशी आकाश पुत्र गुड्डू निवासी माथन थाना पिसावा जनपद सीतापुर भी रहता है। इनके मन में पैसे कमाने का लालच आ गया और इन्होंने बंगाल में माल गिराकर आते समय एक ढाबे से मोबाइल को चोरी किया एवं गोरखपुर में आकर अपने ट्रक का नंबर चेंज कर दूसरे का नंबर डाल दिया एवं गीडा में स्थित शुक्ला ट्रांसपोर्ट पर चोरी के मोबाइल से फोन कर
सीतापुर लखनऊ या उधर का माल बुक कराने हेतु बताया। ट्रांसपोर्ट के पास गलत नंबर की गाड़ी का पेपर जमा कर 13 सितंबर को ब्रिजमोहन जी का माल, जो पाइप डालने का काम करते हैं, जिनका काम खत्म हो गया था, समस्त माल लेकर हल्द्वानी जाना था। माल में घरेलू सामान, जनरेटर, फ्रिज, अलमारी, चरपाई, गद्दा, बेड, कूलर, कुर्सी, मेज आदि तथा पाइप लोहे का जो सामान था सभी लादा गया और उक्त ड्राइवर एवं खलासी हल्द्वानी ना जाकर गायब हो गए। ट्रांसपोर्टर एवं सामान मालिक द्वारा काफी खोजा गया। बाद में थाना कैंच पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछने पर ये टूट गए एवं समस्त घरेलू सामान जो अपने घर पर रखे थे उनको बरामद किया गया तथा जो लोहे का सामान शाहजहांपुर में बेचा था वहां दबिश दिया गया, तो वहां के कबाड़ी मोहम्मद अयूब पुत्र हबीब अहमद निवासी मोहल्ला चमकानी गाड़ीपुरा थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहांपुर गिरफ्तार हुआ। उसने माल खरीद की बात स्वीकार किया तथा समस्त माल का 150,000 रुपए ट्रक ड्राइवर रियाजुद्दीन को देना स्वीकार किया तथा तलाशी में इसके दुकान पर ब्रजमोहन के पास बनी बिल जो सामान का विवरण था वह बरामद हुआ। रियाजुद्दीन द्वारा बेचे गए माल में बचा हुआ 65,000 रुपया एवं आकाश के पास से 5,000 रुपया को बरामद किया गया तथा अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी अंजनी कुमार यादव, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार, आशुतोष राय, कांस्टेबल संदीप यादव, रंजीत सिंह, अरुण राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, सब देंगे आपको। सितंबर महीने में थाना कैंट के सिंगड़िया क्षेत्र से ये एक ठेकेदार का माल ये लेकर गए थे लोग ट्रक से, जिसमें दो लोग थे, रियाजुद्दीन पुत्र शब्बीर निवासी ये सीतापुर के रहने वाले हैं और इनका खलासी है आकाश, वो भी सीतापुर का रहने वाला है। यहाँ से लोग माल हल्द्वानी के लिए लाद कर कहकर ले गए और ये माल ले जाकर शाहजहाँपुर में कबाड़ी को उन्होंने बेच दिया कुछ माल, और कुछ माल अपने पास रखे रहे। जब माल पहुंचा नहीं जहां जाना था, तो जिसका माल था उस मालिक ने जो है कि इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो इनका मोबाइल बंद आने लगा, और जो ट्रक नंबर इनका था उस ट्रक नंबर को जब सर्च कराया गया तो ट्रक नंबर दूसरे गाड़ी का था। डीएल भी जो इन्होंने यहां जमा किया था उसको सर्च कराया गया तो वो भी किसी दूसरे का पाया गया। इस पर जब उसको मालिक को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इस पर छानबीन शुरू की। तो इसमें जो है कि आज जो है कि रात्रि में इनको गिरफ्तार किया गया है, शाहजहांपुर से कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया जहां इन्होंने माल बेचा था, उसने माल खरीदना स्वीकार किया और लगभग 1.5 लाख के माल उसने बेचे थे। उसकी निशानदेही पर फिर ये लोग पकड़े गए दोनों, जिनके पास से 72,000 रुपये नकद बरामद हुए माल के, बाकी पैसे इन्होंने खर्च कर डाले थे और जो सामान कुछ घरेलू सामान फ्रिज जनरेटर इत्यादि जो अभी नहीं बेचे थे कहीं वो भी बरामद हुआ है। जिस ट्रक को इन्होंने इसमें यूज किया था वो ट्रक भी बरामद हुआ है और जो इन्होंने फर्जी नंबर ट्रक पर लगाए थे वो फर्जी प्लेट भी बरामद हुई है। ये पुलिस का एक अच्छा गुड वर्क है, पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की और इस तरह से अननोन
गाड़ी को जो इन्होंने यूज की थी बरामद किया है। SHO कैंट और उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। पुलिस इस पर चूंकि सितंबर जब से मुकदमा लिखा गया उसके बाद से इस पर कार्य कर रही थी। पुलिस ने अपने तरीके, अपने मुखबिर, अपने सर्विलांस और जो इनके फोटो खींच के उस समय रखे गए थे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जब ये बुक हुआ था तो मालिक ने इनके कुछ फ़ोटो जो है कि खींच के रखे थे दोनों लोगों के, इन सब तमाम तरीकों से पुलिस जो है कि अपने तरीके से इन तक पहुंची है। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 4 से 10 नवंबर 2022 तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के सातवें और अंतिम दिन खेले गए फाइनल मैच में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को 22-25, 25-20, 25-17 एवं 25-14 अंकों से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। दक्षिण मध्य रेलवे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ चंद्रवीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा तीसरे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे जोश एवं उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरी प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना का प्रदर्शन किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। खेल भावना के साथ खेली गई इस प्रतियोगिता का गोरखपुर सहित पूर्वांचल के लोगों ने काफी आनंद लिया। अंत में महाप्रबंधक श्री रमन ने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ रेल अधिकारियों, खिलाड़ियों, कोच एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन बनाए रखने के साथ उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता दक्षिण पश्चिम रेलवे एवं उपविजेता पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र, अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन, प्रमुख विभाग अध्यक्ष एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। फाइनल मैच के आरंभ में पहले सेट में पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से हावी रही और आरंभ से ही अंक अर्जित करती रही। हालांकि दक्षिण पश्चिम रेलवे के खिलाड़ी भी अपनी टीम के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। अंततः यह सेट पूर्वोत्तर रेलवे ने 25-22 से अपने पक्ष में कर लिया। दूसरे सेट में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपनी बढ़त बनानी शुरू की जिसे अंत तक बनाए रखा और यह सेट 25-20 से जीत लिया। तीसरे सेट में दक्षिण पश्चिम रेलवे के तेज तर्रार अंशवल ने अपने शानदार स्मैश एवं ब्लॉक से निरंतर स्कोर किया और यह सेट भी 25-17 से अपने पक्ष में कर लिया। चौथे सेट में भी दक्षिण पश्चिम रेलवे ने तेजी से अंक बनाए और सेट 25-14 से जीत कर चैंपियनशिप जीत ली। अश्वल के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम रेलवे के एस पांडी, कप्तान हरिप्रसाद, वरुण, सुधीर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के विकास, नवीन, अतुल कप्तान, गुरु, अभिलाष तथा शिवेंद्र ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स को वैल्यू करती है, खेल में टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बीच हार जीत लगा रहता है। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि विजेता टीम से उम्मीद करता हूं कि अगले टूर्नामेंट में इससे भी अच्छा खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए रेलवे खेल को बहुत ही महत्व देता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा। Hey!
Thank you.
मेरे साथियों और दोस्तों उपस्थित थे, आप लोग का जोश और उमंग देख के ये लग रहा है कि आप लोग ने इस टूर्नामेंट को कितना एंजॉय किया है और रियली आप लोग ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह खेला है। मैं तो विटनेस नहीं कर पाया बट आप लोग के जोश देख के लग रहा है कि आप लोग ने बहुत एंजॉय किया। बट हर एक एक्टिविटी का हम लोग एंड तो होता है, कम से कम तो फॉर्मली मैं जो है 66वीं अखिल भारतीय रेल पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के समारोह की घोषणा करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जो रेलवे जो है स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू करती है और इसमें जो है ठीक कुछ टीम तो जीतते हैं, कुछ टीम पार्टिसिपेट बहुत सारा टीम करती हैं, बट एक स्पिरिट ऑफ जो है टीम वर्किंग की आती है तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज़ है। और रेलवे का स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है तो मैं इस ओकेजन पर जो टीम जीते हैं उनको बधाई तो देता हूँ और जो पार्टिसिपेट उनको भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले टूर्नामेंट में और अच्छा करेंगे और प्रथम स्थान लेंगे। सर बाकी युवाओं के क्या संदेश देना चाहेंगे खेल के माध्यम से? खेल के माध्यम से देख खेल के ऐसी चीज़ है, खेल के माध्यम से लोग जो है एक डिसिप्लिन आती है लाइफ में, एक टीम स्पिरिट आती है, कंस्ट्रक्टिव काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम लोग रेलवे जो है इस दिशा में बहुत ही महत्व देते हैं खेल कूद को। चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत डेंगू से नहीं हुई है, यह बात सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने गोरखपुर न्यूज को बताते हुए कहा कि महिला की रिपोर्ट आई है जिसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। महिला कांस्टेबल की एलाइजा की रिपोर्ट नहीं थी। महिला बक्सर बिहार गई थी, वापस आने के बाद तबियत खराब होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालत बिगड़ने पर उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं पाया गया, जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे सुनिश्चित किया जाएगा कि चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत किस कारण से हुई है। उन्होंने कहा कि जनपद में 192 डेंगू के मरीज मिले हैं और 4 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जिले में किसी भी मरीज की मौत आज तक डेंगू से नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा,
डेंगू से महिला सिपाही की मौत हो गई छोटी बच्चा? डेंगू से महिला की मौत नहीं है, महिला का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट किया गया था वो NS1 पॉजिटिव आया है, उसमें डेथ ऑडिट की हमने टीम गठित कर दी है, डेथ ऑडिट हो रहा है, एलाइजा की रिपोर्ट नहीं थी उसमें। और महिला जो है बक्सर शायद गई थी, बक्सर से वापस आई थी और उनका अपने होम टाउन में जहाँ से वो यहाँ आई थी और उनकी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कहीं बाहर रेफर हुई थी, रास्ते में उनकी जो है दुखद मृत्यु हुई है और उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया था, पोस्टमार्टम में भी कोई कॉज ऑफ स्पेसिफिक डेथ का नहीं पता चला है, बिस्तर उनका प्रिजर्व किया गया है, जांच चल रही है, जो भी रिजल्ट आएगा वो सूचित किया जाएगा। सर जनपद में कितने भाई? अभी तक जनपद में कुल 192 पेशेंट आ चुके हैं, भर्ती से 4 मरीज भर्ती हैं अभी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने खेतों में पराली ना जलाएं क्योंकि इससे खेतों की मिट्टी को भी नुकसान होता है। इस समय धान कटाई का समय चल रहा है और धान काटने के बाद यदि पराली बचती है तो वह उस पराली को पंचायत को दे सकते हैं या उसी खेत में जुताई करके जैविक खाद बना सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। मेरा किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि वो पराली ना जलाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं इस समय धान काटने का समय चल रहा है और धान काटने के बाद आपके पास जो पराली बचती है यदि आप चाहें तो उसको अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसको दे सकते हैं या आप उसी खेत में उसको पुनः जुताई करके और उससे जैविक खाद बना सकते हैं। बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग पराली ना जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोई भी नगर निकाय चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 11 नवंबर तक ही बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में दे सकता है आवेदन। जांच करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। दावे व आपत्तियों का 7 नवंबर को ही समय हुआ समाप्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। हत्या के आरोप में एक अभियुक्त संतोष कुमार चौधरी को पिपराइज थाने की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान बुक कराकर उस सामान को बेच देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72,000 रुपया सामान व घटना में प्रयुक्त ट्रक को किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने किया खुलासा। छाछठवीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 पर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को हराकर किया कब्जा। दक्षिण मध्य रेलवे को प्राप्त हुआ 3रा स्थान। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक नरसा चंद्र वीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा 3रे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। कहा, खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की मिलती है प्रेरणा। डेंगू से नहीं हुई है चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत। सीमा रुक आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। कहा, जनपद में मिले हैं 192 डेंगू के मरीज और 4 मरीज जिला अस्पताल में हैं भर्ती। आज तक जिले में डेंगू से नहीं हुई है किसी मरीज की मौत। खेतों में ना जलाए पराली किसान भाई, ना जरूरत हो तो पराली को दे दे ग्राम पंचायत को। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। विजय चौराहे से बैंक रोड तक पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह ने कहा, अतिक्रमण किए 3 दुकानदारों का 2,000 का काटा गया चालान की अपील। अपनी जगह तक ही लगाएं अपनी दुकान, रोड पर ना करें अतिक्रमण। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा, नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दो
दो शातिर मोटरसाइकिल चोर नितिन साहनी व पृथ्वीपाल को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की दो मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और 122 क्रय केंद्रों पर की जा रही है जिले में धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, किसान धान सुखाकर ले जाए क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए। अभी तक 4000 क्विंटल तक धान की जा चुकी है खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम द्वारा बैंक रोड पर बासफोर तथा चश्मा बेल्ट लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि शहर को एवं रोड को साफ सुथरा रखने के लिए अतिक्रमण अभियान हमेशा चलाया जाता है। शिकायतें मिली है कि बैंक रोड चौराहे से विजय चौराहे तक बासफोर और टोपी बेल्ट चश्मा बेचने वाले दुकानदारों ने रोड पर अतिक्रमण फैला रखा है। काफी समझाया गया लेकिन फिर भी यह अपनी दुकान लगाते गए। विजय चौराहे से बैंक रोड चौराहे तक हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहां के लोकल चौकी इंचार्ज से भी शिकायत की गई तो उन्होंने बताया कि दुकानदारों से बात करने पर झगड़ा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले 3 दुकानदारों से 2000 का चालान काटा गया। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि यह रोड बहुत ही संकरी है, कृपया करके अपनी दुकान को अपनी जगह तक लगाएं, रोड पर अतिक्रमण ना करें। इस अवसर पर बेनीगंज चौकी इंचार्ज आशीष कुमार चतुर्वेदी, हवलदार अशोक कुमार सिंह, राधा कुमार पांडे, एसपी शर्मा, हवलदार ओपी सिंह, मुरारी मिश्रा, कमलेश्वर सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, अगर एक भी शिकायत चौकी इंचार्ज साहब ने बताई बताऊंगा। इतना कितना करे अतकमण में पंडित जी मैंने बोला था अतकमण में लिखने के लिए अतकमण उसमें लिखा कि नहीं उसमें भी लिखो अतकमण लिखो नहीं लगाओ यहाँ पे पेंट करो पहले सीधा आप बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे रसीद दिखाओ रसीद पकड़ो पकड़ो और दिखा क्या नाम है तुम्हारा
दिनेश कुमार अपना दिमाग ठीक रखना, पता पहले बता रहा हूँ अभियान। हम लोग रूटीन चला रहते रहते हैं, एक शिकायत आई थी कि ये बांसफोड़ से लेके यहाँ तक जितने भी ये बैंक रोड पे हैं, ये बिल्कुल व्यस्ततम सड़क है शहर की, उसमें भी ये बांसफोड़ प्लस यहाँ पे कुछ नोट वाले हैं, कुछ चश्मे वाले हैं, कुछ और हैं, इन्होंने एक बार जब एक बार पहले सीएम साहब का विजिट था, हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से इनको खाली कराया था और इनको हम लोगों ने बोला था कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। रीज़न क्या, सबसे शहर की सबसे व्यस्तम रोड ये है। अब ये क्या करते हैं, एक जरा सा लगाते पूरी आधी सड़क घेर लेते हैं, उसमें पब्लिक को तंग होती है, कभी पब्लिक के उसमें सर में लगता है उसका जो 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 छप्पड़ है और कभी कुछ होता है, और ये इतना जाम की हमेशा समस्या रहती है। तो लोकल चौकी इंचार्ज साहब है इनकी, इन्होंने भी हमें शिकायत की थी, सीओ कोतवाली साहब ने भी शिकायत हमें की थी कि साहब यहाँ पे ये सुनते नहीं है, और जिसके बाद झगड़ा करने को जाते हैं, जैसे बांसफोड़ हैं, ये हमेशा बिल्कुल झगड़ा करने को तैयार होते हैं। तो आज मैंने सख्ती से सब हटवा दिया और मैं चौकी इंचार्ज साहब हमारे साथ में, इनको बताएगा दोबारा ये करते हैं, आप हमें बुलाइए, मैं अपनी टीम के साथ में लगा सामान जब्त करेंगे। चलान काटा हमने भी करीब नोट वाले थे उसमें करीब दो तीन, और एक दो तीन अतिक्रमण, तो अतिक्रमण में 2000 रुपये का मैंने चलान किया है। मैंने वार्निंग बड़ी सख्ती से दी है क्योंकि पहले हम बड़ी मेहनत लगती है अतिक्रमण हटाने में, आए दिन अब अतिक्रमण हटाते हैं और फिर दोबारा लगा लेते हैं, उससे क्या पब्लिक परेशान हो जाती है। चौकी इंचार्ज साहब प्यार से समझाते हैं, वो प्यार से समझने के नहीं है, अगर कुछ बोल दें तो झूठा मूठा आरोप पुलिस पर आ जाएगा कि आपने ये बोला आपने वो किया। ठीक है, इसीलिए आज हमें मेरे को जैसे सूचना मिली मैं अपनी टीम के साथ में आया और मैंने उसको हटवाया है, और दोबारा एक करेंगे मैं सामान ढोके लेके जाऊँगा लगाने में। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील इन लोगों से कि ये अपने बिल्कुल यहाँ पे ये रोड बड़ी बड़ी सक्रिय है, ये व्यस्ततम रोड है शहर की, इस पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होगा, बिल्कुल लगेगा नहीं, और नगर साहब ने बोला यहाँ दिखना नहीं चाहिए मेरे को अतिक्रमण। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर तथा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके प्रशिक्षण का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी परंपरा है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न विषयों और भाजपा की कार्य पद्धति क्या है, क्या परंपरा है और हमारा आगे का क्या कार्य योजना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए अनगिनत कार्य किया है, प्रशिक्षण में पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा ने क्या क्या काम किया है इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य पद्धति के साथ और पूरे गंभीरता के साथ निकाय चुनाव को लड़ने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवन पटेल, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, देवेश श्रीवास्तव, विशाल जायसवाल, विकास राज, गजेंद्र सिंह, देव शर्मा, सत्यानंद शर्मा, शैलेंद्र पटवा, राहुल गुप्ता, वरुण शर्मा सहित पदाधिकारी प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा, माता की पंडुओं हम सबके बीच गुप्ता जी आ चुके हैं। मैं महानगर के महामंत्री सत्यान भैया आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आए, कार्यक्रम को अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितेंद्र उपाध्याय जी के चित्र पे पुष्पांजलि करें। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी परंपरा है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की, और ये परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है। उस परंपरा के अंतर्गत ही आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग मोर्चे का
प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित है। गोरखपुर महानगर के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यपद्धति भाजपा की क्या है, कैसी रीति नीति परंपरा है, हमारे किस प्रकार के आयाम हैं और हमारा आगे का कार्य योजना किस प्रकार से है, पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती रही है, पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने में कैसे भाजपा का योगदान रहा है, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर इस प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा और वार्ता सब कार्यकर्ताओं के बीच में होने वाली है। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले चुनाव लड़ती रही है, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी उतनी शिद्दत से लड़ते हैं, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, और चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे आने वाला नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति परंपरा के अनुसार पूरी पद्धति के साथ और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ने जा रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है। गुलेरिया थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान नितिन साहनी पुत्र राम भवन साहनी निवासी तरकुलहा थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा पृथ्वी पाल पुत्र बंगाली निवासी पिपरी थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक विवेक कुमार अवस्थी, हेड कांस्टेबल महेश नारायण गौतम, कांस्टेबल शिवजी प्रसाद, सुदर्शन राय, वीरेंद्र सिंह यादव, विश्वजीत सिंह शामिल रहे। जिले में 122 केंद्रों पर धान की खरीदारी की जा रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 122 केंद्रों पर धान की खरीदारी की जा रही है, इसलिए सभी किसान पहले धान को सुखा लें, क्योंकि कोई किसान क्रय केंद्र पर गीला धान लेकर आता है तो क्रय केंद्र को वापस करना पड़ता है या वही उसको फैलाकर सुखाना पड़ता है, इसलिए सभी किसान साफ सुथरा व सूखा धान लेकर आए, कोई भी किसान किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े व सीधा क्रय केंद्र पर जाकर धान को बेच सकता है। उन्होंने कहा, अभी धान की कटाई प्रारंभ हुई है, अभी तक 4000 कुंतल तक धान की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में धान खरीद को लेकर के 1 नवंबर से हमारे यहाँ धान खरीद प्रारंभ हो गई है और अब तक हम लोगों ने 122 केंद्र बना दिए हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान अभी जो उनके खेतों में पैदा हो रहा है उसको एक बार सुखा लें, यदि वो गीला धान ले आते हैं और वहाँ चेक होता है तो उसको एक बार उन्हें या तो वापस करना पड़ता है या वहीं उसे फैलाना पड़ता है। तो यही विनम्र अनुरोध है कि साफ सुथरा और सूखा हुआ धान ले आएँ, किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्लेम करता है कि हम आपका धान बिकवा देंगे या ऐसा कर देंगे तो उसके चक्कर में ना आएँ, अच्छा धान ले आएंगे तो बिकने से वो नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक कितनी खरीदारी की है? हमारे जनपद में अभी कटाई प्रारंभ हुई है और मेरा अनुमान है कि 15 नवंबर के बाद धान की आवक प्रारंभ होगी। अभी लगभग 4000 क्विंटल के आसपास ही परचेज हुआ है, धान की आवक धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, 15 के बाद अच्छी खासी मात्रा में धान आने लगेगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोई भी नगर निकाय चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 11 नवंबर तक ही बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में दे सकता है आवेदन। जांच करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। दावे व आपत्तियों का 7 नवंबर को ही समय हुआ समाप्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। हत्या के आरोप में एक अभियुक्त संतोष कुमार चौधरी को पिपराइज थाने की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। फर्जी
राज्य नंबर प्लेट लगाकर ट्रांसपोर्ट से सामान बुक कराकर उस सामान को बेच देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72,000 रुपया सामान व घटना में प्रयुक्त ट्रक को किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देव बिंद ने किया खुलासा। छाछठवीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 पर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को हराकर किया कब्जा। दक्षिण मध्य रेलवे को प्राप्त हुआ 3रा स्थान। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक नरसा चंद्र वीर रमन ने विजेता एवं उपविजेता तथा तीसरे स्थान पर रही टीम को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। कहा, खेल के माध्यम से लोगों के अंदर हिम्मत, मजबूती और काम करने की मिलती है प्रेरणा। डेंगू से नहीं हुई है चौरी चौरा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत। सीमा रुक आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। कहा, जनपद में मिले हैं 192 डेंगू के मरीज और 4 मरीज जिला अस्पताल में हैं भर्ती। आज तक जिले में डेंगू से नहीं हुई है किसी मरीज की मौत। खेतों में ना जलाए पराली किसान भाई, ना जरूरत हो तो पराली को दे दे ग्राम पंचायत को। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। विजय चौराहे से बैंक रोड तक पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, अतिक्रमण किए 3 दुकानदारों का 2,000 का काटा गया चालान की अपील। अपनी जगह तक ही लगाएं अपनी दुकान, रोड पर ना करें अतिक्रमण। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा, नगर निगम चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दो शातिर मोटरसाइकिल चोर नितिन साहनी व पृथ्वी पाल को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और 122 क्रय केंद्रों पर की जा रही है जिले में धान की खरीदारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, किसान धान सुखा कर ले जाए क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए। अभी तक 4,000 क्विंटल तक धान की जा चुकी है खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।